दोस्तों आपको पता होगा कि दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म में मीना कुमारी और नादिरा ने एक साथ काम किया है, लेकिन रियल लाइफ में ये दोनों काफ़ी अच्छी सहेलियाँ थी। दोस्तों जब मीना कुमारी जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, तब नादिरा जी ने एक बात की थी, मुझे लगता है कि आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। तो नादिरा जी के बारे में कुछ और बातें करने से पहले आइए हम नादिरा जी की आवाज़ में इनकी दोस्त, इनकी पक्की सहेली मीना कुमारी जी के चले जाने के बाद इन्होंने क्या कहा था, आइए हम इनके कुछ दर्द भरे अल्फाज सुन लेते हैं। जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ते हुए आज उम्र की जिस ऊंचाई पर आ पहुंची हूं, यहां से मुड़कर पीछे नजर दौड़ाती हूं तो बहुत से अपने पराए लोग और उनकी यादें दिखाई देती हैं। उन यादों में दिल के बहुत बहुत करीब है मेरी मीना कुमारी की याद। आप लोग शायद मीना को सिर्फ एक अदाकारा के रूप में जानते थे, लेकिन मैं उस औरत को जितना बाहर से जानती थी उतना ही अंदर से है। मीना जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि सुकून के लिए तड़पती हुई मीना जी की रूह जब तक उनके जिस्म में कैद रही, लोगों में मोहब्बत का जज्बा बांटती रही। मीना ने सिर्फ देना ही जाना था, सारी जिंदगी उसने दिया ही दिया, मरने के बाद भी वो एक बहुत बड़ा तोहफा देके चली है। लेकिन उसको उसके बदले में सिर्फ तन्हाई मिली। लोग पाकिजा के हिट होने की अलग अलग वजह बताते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ लोगों को उस फिल्म में अपनी महबूब अदाकारा की जिंदगी की छाया दिखाई देती थी। इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, और यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, जैसे गानों में मीना जी की प्यासी रूह की पुकार थी। मीना जी के जिस्म को मैंने अपने हाथों से आखिरी बार नहलाया, अपने हाथों से मैंने उन्हें कफनाया, लेकिन आज भी मुझे इस बात का यकीन नहीं है और ना इस बात का यकीन आएगा कि मेरी मीना अब नहीं है। डूब चुका है। नहीं माँ, अब तो सवेरा होने ही वाला है, अब एक नया सूरज निकलेगा और अपने असली रंग में चमकेगा। उसका रंग हमारी बैलगाड़ी के रंग की तरह कच्चा नहीं होगा। 60 से भी अधिक फिल्मों में अपने बेजोड़ अभिनय की छाप छोड़ने वाली नादिरा, दिलीप कुमार, राज कपूर, मीना कुमारी, राजकुमार और अमिताभ बच्चन जैसे अनेक कलाकारों की फिल्मों में सिर्फ सहायक ही नहीं बल्कि विशिष्ट भी बन जाती थी। अभिनेत्री नादिरा अपने समय से कई आगे थी। लाजवाब खूबसूरती और शहाना अंदाज की शख्सियत रखने के बावजूद इन्होंने उस दौर में खलनायिका बनना पसंद किया था। अपमान के लिए मैं तुमको भरे बाजार में कोड़े लगाऊंगी। जबकि अन्य नायिकाएं इस तरह की भूमिका करने से घबराती थी। दोस्तों इनका जन्म 5 दिसंबर 1932 को इसराइल में एक बगदादी यहूदी परिवार में हुआ था। इनकी परवरिश एक लड़के के समान हुई थी। ये अपनी गली में वहाँ के लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करती थी। गिल्ली डंडा खेलना भी इन्हें बहुत पसंद था। इनके स्वभाव में लड़कों से शरारत और हुड़दंगपंग पूरी उम्र बना रहा। सुन तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। ये मित्रों से ज्यादा खुशी पुरुष जमावड़े में गपशप करके हासिल करती थी। हिंदी दर्शकों में प्रसिद्धि पा चुकी नादिरा ने अपने 5 दशक के लंबे फिल्मी सफर में अनेकों फिल्मों में काम किया, जिनमें इन्होंने नायिका, खल नायिका की भूमिका करने के साथ चरित्र भूमिकाएं भी निभाई। इनके अभिनय करियर की शुरुआत महबूब खान की 1952 में निर्मित फिल्म आज से हुई थी, जिसमें इन्होंने एक बिगड़ेल राजकुमारी की भूमिका निभाई थी। इन्होंने उस समय की सहमी हुई नायिकाओं के विपरीत एक बोल्ड दृश्य भी दिया था। इस फिल्म में दिलीप कुमार इनके नायक थे। इस फिल्म में नादिरा द्वारा निभाए गए राजकुमारी राजशेखर रोल के लिए इनसे पहले नरगिस को चुना गया था, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख रही थी। महबूब खान इस फिल्म को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे। इन्होंने नरगिस को तारीख देने के लिए कहा, लेकिन नरगिस ने अपनी दुविधा जता दी कि उन्होंने राज कपूर की फिल्म आवारा साइन कर ली है। महबूब खान जानते थे कि नरगिस कभी भी राज कपूर की बात नहीं टाल सकती। महबूब खान नरगिस को अपनी फिल्म में न लेने की तकलीफ छिपा गए थे, लेकिन उनकी पत्नी सरदार अख्तर ने तय किया कि वो नरगिस का कोई विकल्प खड़ा करेंगी। बहुत सोचने के बाद इनकी नज़र फरहत यानी नादिरा पर टिक गई। इनके नाम पर महबूब खान भी सहमत हो गए थे। अपनी फिल्म आन में रोल लेकर
इनकी अलग तरह की सुंदरता को दुनिया के सामने लाने का मन बनाया। उन्होंने इनसे बात की और तय हुआ कि वही फिल्म आन में दिलीप कुमार के अपोजिट हीरोइन होंगी। फरहत को तब इस फिल्म में मशहूर हीरो दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। ये सुहाने सपने देखने लगी थी। फरहत को नया नाम दिया गया नादिरा, जो आन फिल्म के रिलीज होते ही रातों रात स्टार श्रेणी में आ गया। ये अभिनेत्री नादिरा की कामयाबी ही मानी जाएगी कि इन्हें हर बड़े हीरो के साथ काम करने का अवसर मिला। उस समय की तिकड़ी भी इनकी अपेक्षा नहीं कर सकी। नादिरा दिलीप कुमार के साथ आन में आई और देवानंद के साथ पॉकेट मार में। राज कपूर ने इन्हें फिल्म श्री 420 में माया का अलग अंदाज वाली भूमिका दी थी। अशोक कुमार के साथ नगमा, शमी कपूर के साथ सिपह सालर, प्रदीप कुमार के साथ पुलिस और भारत भूषण के साथ 11,000 लड़कियां आईं। सन 1954 में गायक अभिनेता तलत महमूद के साथ दो फिल्म डाक बाबू और वारिस में भी काम किया। ये फिल्में कामयाब रहीं और विशेष बात ये थी दोस्तों कि इन फिल्मों में नादिरा ने तलत महमूद के साथ कई गीत भी गाए और अपनी आवाज़ से लोगों को दीवाना बनाया। इस तरह नादिरा ने 3 सालों तक फिल्मों में लगातार काम किया। पूरे करियर में नादिरा ने कुछ और अभिनेताओं के साथ भी काम किया, उनमें मोतीलाल, आगा, अनवर हुसैन, जयराज, बलराज साहनी, उत्पल दत्त, दलजीत, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती और ऋषि कपूर। इसके बाद इन्होंने 1956 में श्री 420, 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, 1971 में पाकीज़ा, 1977 में अमर अकबर एंथनी आदि फिल्मों में काम किया, जिनमें से इन्होंने अधिकतर ऐसी महिला की भूमिका निभाई दोस्तों जो नायक को अपनी अदाओं से जाल में फंसाने की कोशिश करती है। पद्यपि अभिनेत्री नादिरा ने ज़्यादातर फिल्मों में खल नायिका की ही भूमिका निभाई थी, लेकिन समय के साथ इन्होंने खुद को चरित्र अभिनेत्री के रूप में भी ढाल लिया था। बावजूद इसके कि इनका कद फिल्म की किसी भी मुख्य हीरोइन से कम नहीं होता था, इन्होंने स्माइल मर्चेंट की एक अंग्रेजी फिल्म कार्टन मेरी जो 1999 में आई थी, इसमें भी इन्होंने काम किया। नादिरा ने 2 शादियाँ की थी, लेकिन दोनों ही बार ये वैवाहिक सुख से वंचित रहीं। इनका प्रथम विवाह उर्दू शायर, गीतकार और फिल्म निर्माता नक्शब से हुआ था। इस दाम्पत्य की बड़ी ही दुखद परिणति हुई। तब नादिरा ने दूसरा विवाह किया एक विवाहित व्यक्ति से, लेकिन ये रिश्ता भी मात्र 1 हफ्ते ही चल पाया। दोस्तों शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की अभिनीत फिल्म जोश नादिरा की आखिरी फिल्म थी। फिल्म झूली के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहनायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। इस फिल्म में इन्होंने नायिका जूली की माँ मार्गरेट का किरदार निभाया था। दोस्तों नादिरा के अधिकांश रिश्तेदारों के इसराइल चले जाने की वजह से ये जीवन के आखिरी दिनों में अकेली रह गई थी। आखिरी 3 सालों में इन्होंने खुद को घर में कैद सा कर लिया था। ये बहुत ज़्यादा शराब पीने लगी थी। शरीर की कमजोरी के कारण इन्हें कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया था। इन्हें मुंबई के ताड़देव में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 9 फरवरी 2006 को 74 साल की उम्र में ये इस दुनिया को